जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, विशेषकर बीएड के सारे भाई बहन, आप सबसे ये निवेदन है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह की लेथार्जिक चीज़ें हो रही हैं, सरकार ने जिस तरीके से नई भर्ती के नाम पर झांसा देकर के आपके पीठ में एक छुरा दिया, जबकि मैं आप बार बार कह रहा था कि सरकार के हाथ में है इसे बचाना, तो वो आपको जानना जरूरी है। और साथ ही जो नई भर्ती 6 to 8 की है, जो साथी पहली बार मुझसे जुड़े हैं या पहले से जानते हैं उन्हें तो पता है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। जो पहली बार मिले हैं उनके लिए मैं अपनी क्रेडिबिलिटी इस बात से बता देता हूँ कि कल सुबह 6 बजे मैंने एक ट्वीट किया था। जैसे ही मुझे पता चला कि आज मीटिंग है, मीटिंग के बारे में मुझे पहले से अंदाज़ा था कि आज क्या चीज़ें होने वाली हैं, और इसीलिए मैंने ये ट्वीट दिया था कि BPSC रिजल्ट विथ BEd, ये मैंने ट्वीट किया था। और साथ में बहुत सारे साथियों के साथ रीट्वीट कैंपेन भी किया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये लोग BEd को विथहोल्ड लग देंगे। हालांकि BEd को बाहर नहीं किए हैं, ये बड़ा अजीब मामला है, मैं आऊँगा इसके आगे, आऊँगा आपके पास बताऊँगा, लेकिन एक तरीके से वही है। दूसरी चीज़ ये है कि 6 to 8 की भर्ती की बात जो आज चल रही है, 4 महीने पहले मैंने आप सभी 6 to 8 के लिए एक वीडियो बनाई थी, जो लगभग 30-40 सेकंड का क्लिप एक मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कभी भी मिथ बातें या हवाबाजी नहीं करता हूं, जो पहली बार जुड़े हैं उन साथियों के लिए। क्योंकि आज ये बताना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बातों को सही तरीके से समझें और ये समझें कि जो आपको बता रहा है वो आपके सामने कोई धोखेबाजी नहीं कर रहा है, जो फैक्ट है वो आपको दिखा रहा है। इसलिए आप ये देखिए कि 4 महीने पहले मैंने आपको क्या बोला। सीरियस है कि 6 to 8 में जो कि 2 साल पहले से जो है भर्तियाँ 40,045 दिख रही थी, वो 1,745 कैसे हो गई? तो इसमें एक बड़ी कमी देखने को मिली है कि रिक्तियों की गणना 6 to 8 में हुई ही नहीं है, ये एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है। समस्त निकायों को कि 6 to 8 की गणना आपने सही तरीके से नहीं की है, और आप उसकी गणना ठीक करके यथाशीघ्र हमको दीजिए, क्योंकि इतने कम पद उसमें कैसे हुए हैं। तो ये विभाग अपने तरह काम कर रहा है, और इसकी मीटिंग के बाद हो सकता है कुछ क्लियर हो भी जाए, हम लोग को भी कुछ जानकारी मिल जाए। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो 6 to 8 वाले अभी से एकदम परेशान ना हो, क्योंकि BPSC जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही भर्ती दे सकता है, एक नया नोटिफिकेशन 6 to 8 के लिए अलग से भी दे सकता है, और उसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, बस गणना जी। तो आप लोगों ने देख लिया ठीक है कि 6 to 8 की भर्ती तो मैंने आपको बता ही दी थी, 4 महीने पहले बता दी थी कि गणना हुई है नहीं है, आदेश जारी हुआ है। जैसे ही पदों की गणना हो जाएगी, एक बार फिर से जो है आपको 6 to 8 की भर्ती देखने को मिलेगी, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। समस्या यहाँ पर क्या है, ये देखिए कि BEd को बाहर ना करते हुए भी सरकार ने BEd के रिजल्ट को रोक दिया एक तरीके से, और साथ ही एक और बात है कि नई भर्ती में प्राइमरी का एग्ज़ाम नहीं कराएगी, है ना। तो एक तरीके से देखिए कि BEd को प्राइमरी का रिजल्ट नहीं जारी करके विथहोल्ड भी रख रहे हैं, क्योंकि आप BEd को नाराज़ नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ जो है नई भर्ती भी लेकर के उसकी प्राइमरी की नहीं करेंगे, तो ये दोनों तरफ से फंसा के रखेंगे। DLED वालों को पूरी सीटें नहीं दी जाएंगी, और BEd वालों को जो है उनको उनकी सीटों पर रखा नहीं जाएगा। अब जहाँ तक 6 to 8 की बात है, वहाँ 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा सबको एक साथ होकर के। पहली चीज़ तो ये है, आप लोग समझ लीजिए कि 6 to 8 की जो भर्ती है वो BEd के वही साथी दे सकते हैं जिनका CTET का paper 2 क्लियर हो, एम आई राइट? तो ये जो है, हम सरकार से इस स्टैंड की मांग करेंगे कि अगर 6 to 8 की, आज मैं ये बात सेट कर रहा हूँ आपके लिए कि ये चीज़ें आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे से फिर बार बार माहौल बदलता है, फिर चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं। जिस तरीके का कैंपेन हम ले कर चलते हैं उसको आप और हम सब उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, इसलिए आज आप जान लीजिए। पहली चीज़ ये है कि जिस तरीके से CTET में छूट देने का अधिकार सरकार के पास होता है ना, जैसे कि CTET की एलिजिबिलिटी क्या है, सेंट्रल में 90 नंबर होना चाहिए परसेंटेज, लेकिन यहाँ बिहार में देखिए तो CTET के परसेंटेज में चेंजेस किया है बिहार सरकार ने, कि नहीं इतना परसेंट पे भी हम सिलेक्शन ले लेंगे, इतने परसेंट पे हम क्वालिफाई मानेंगे, महिलाओं के लिए अलग है, SC ST के लिए अलग है, 72 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, ऐसा करके दिया है ना। तो ऐसे ही हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि चूंकि NCT की गाइडलाइन की वजह से जो भी चीज़ें हुई, बहुत से बच्चे जो CTET का paper 2 क्लियर नहीं किए हैं, उन्हें CTET का paper 1 के बेस पर भी 6 to 8 की भर्ती में शामिल किया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जब आवेदन का पैसा आप लोगों ने एक भर्ती के लिए ले लिया और फिर आप उस भर्ती में BEd को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो उसी आवेदन के फॉर्म पे उनसे कोई नया चार्ज न लिया जाए, BEd वालों को मौका दिया जाए जिनके पास प्रीवियस ईयर्स का है, उनको करेक्शन करने का मौका दिया जाए, ना कि नया फॉर्म का पैसा देना पड़े। जो चीज़ें बचाया जा सकती हैं उसका प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा, ये प्रयास हमारा होना चाहिए कि परीक्षा जो है
अगर इसी पेपर के बेस पर, जो पेपर आप लोगों ने प्राइमरी के लिए दिया है 1 to 5 के लिए, इसी पेपर के बेस पर अगर मेरिट लगे तो और बढ़िया है। जैसे एक मेरिट जो है बीएड का, डीएलएड का आ रहा है 1 to 5 के लिए, तो एक मेरिट 6 to 8 के लिए बीएड वालों का बन जाए, पेपर में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिसको हमें अपने लीग पर सेट रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जरा इस भर्ती में 6 to 8 की बात करने के लिए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा था कि बिहार सरकार ये फैसला ले। बिहार सरकार इस केस में पार्टी नहीं थी राजस्थान वाले केस में, इसलिए हम उसको कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। बिहार सरकार को चाहिए था कि, उसके पास 2-3 तरीके थे। जो लोग मेरा विरोध करें, देखिए, अगर आज से 5 साल पहले 2018 में मैं होता, YouTube पे इतना मतलब वर्चुअल होता, तो मैं पक्का उस बात का भी विरोध करता जब ये नियमावली आई थी। लेकिन आज गलती बीएड वालों की इसलिए नहीं है क्योंकि एनसीटी ने उनको डायरेक्ट कर दिया कि आप बीएड कर लीजिए, चाहे वो किसी भी जरिए हुआ हो, लेकिन एनसीटी की गलती की सजा में बीएड भुगत रहा है। गलती सरकार की, सरकार ने करवाया, बीएड एनसीटी ने करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन नुकसान तो बीएड वालों का ही हुआ। और ये ही न्याय का सिद्धांत जिसकी वजह से हम लड़ रहे हैं। और साथ ही अनुबल सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने क्लेरिफिकेशन का फाइल किया है कि भैया आप इसमें बताइए कि उन बच्चों का क्या होगा जो एनसीटी की के गाइडलाइन की वजह से बीएड कर चुके हैं आज तक, उनका क्या होगा। तो हम वो कर रहे हैं कोर्ट के स्तर से, जैसे ही उसका फैसला आएगा फिर आपको हो सकता है कि यहाँ पर अगर कुछ फेवर में आता है तो प्राइमरी में भी बीएड के लिए चांस बनता है। लेकिन अगर उसको नगण्य मान के भी चलते हैं तो आपका काम यह है कि सरकार चाहती तो सरकार अपने पावर को इन्हेंस करती और वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन देती अपनी तरफ से बीएड के पक्ष में कि भैया हमने इस नोटिफिकेशन एनसीटी की इस गाइडलाइन के तहत, जिस तरीके से बंगाल कर रहा है, जिस तरीके से अभी देखिएगा आपको उत्तर प्रदेश करने जा रहा है शिक्षा मित्रों, और 69,000 की भर्ती में उत्तर प्रदेश भी जा रहा है अपने सीनियर वकीलों के साथ भाई सुप्रीम कोर्ट में कि हमें इन्हें बचाना है। तो अगर बिहार सरकार भी चाहती तो लीगल रिप्रेजेंटेशन दे करके बीएड का पक्ष रखती कि भाई हमने नोटिफिकेशन इस नियम के तहत जारी किया था, इस नियम के तहत हमने इनका सिलेक्शन लिया था, इसलिए हम इन्हें शामिल करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी मूव नहीं किया आपको बचाने के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से अपने आप को काम कर रही है। एक तरफ डीएलएड को फंसा रही है, दूसरी तरफ बीएड को फंसा रही है, सीधी सी बात। तो ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं है। आज आपको एकजुट होना पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर के, 6 to 8 की भर्ती को लेकर के। एसटीईटी में तमाम चीज़ें हुई हैं, एसटीईटी की भी जांच हो रही है, उसके पीछे भी अभी हम लोग पढ़े नहीं है। पहले ये आप लोग को एक राहत इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए 6 to 8 की भर्ती आएगी। जो लोग भी पेपर वगैरह में की कटिंग देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं। मैंने आपको पहले से बताया था कि गणना हुई ही नहीं थी, ये इसलिए रोक दिया गया था कि भाई एक इलेक्शन के टाइम में एक बड़ी भर्ती और दिखा करके इसका बड़ा फ़ायदा उठाया जाए, और वही चीज़ आपके सामने प्रवर्तित हो रही है। तो ये तो है, लेकिन बीएड को प्राथमिक में नहीं शामिल किए हैं। तो ये मांग आपकी होनी चाहिए कि सीटेट का पेपर 1 करने वालों को बीएड के 6 to 8 के लिए अप्लाई करने का मौका दिया जाए। ये मांग होनी चाहिए, एकजुटता के साथ होनी चाहिए। फॉर्म का पैसा दोबारा ना लिया जाए, ये होना चाहिए। और अगर प्रयास कीजिए, अगर सबका एकजुट एक होकर एक मत से बात आएगा तो इस बात के लिए आवाज़ उठाई जाए कि एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हो चुका है, आप उसके बेस पर मेरिट बना दीजिए। सीधी सी बात है, किसी को फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरिट थोड़ा ऊपर ले जाइए या नीचे ले जाइए, पेपर में कितना डिफरेंस कर लगे। अभी जो पेपर का पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, हालांकि अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन सेम वही है कि 120 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपका वही निगेटिव मार्किंग के बिना वही आपका पेपर होना। पेपर का लेवल भी सेम है, एनसीटी का पैटर्न होगा, सारे सिलेबस वैसे ही होने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको जो स्पेसिफिक विषय का लेना ही नहीं है तो इसी पर आप मेरिट बना सकते हैं। बच्चों को तमाम परेशानियों से बचाया जा सकता है, दोबारा फॉर्म भरने से बचाया जा सकता है, बार बार सेंटर पे जाने से बचाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी मुहिम अभी आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं इसको लेकर के चलूँगा। आपको पता है कि जब मैं मुद्दे पकड़ता हूँ तो अंजाम तक लेके जाता हूँ। इस बार भी सब कुछ ठीक था, बस आप लोग का उतना समर्थन नहीं मिल पाया जिसकी वजह से सरकार तक ये बात मजबूती से खड़ी कर पाए और सरकार खेल गई ये कह करके कि भाई ठीक है बीएड वालों का रिजल्ट रोक लिया जाता है। हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, भाई रिजल्ट कैसे रोक लीजिएगा आप। लेकिन फिर भी अगर सब एकजुट होते तो ऐसा ना होता। देखिए डीएलएड के साथी हमारे जो हैं वो एक साथ अपनी बात रख रहे हैं हर जगह, लेकिन बीएड के साथी अब हौसला हार रहे हैं। आप लोग हारिए मत, हारिएगा तो आपको और नुकसान ही झेलना पड़ेगा, इसलिए आप सबके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं।
तो आज आप सिर्फ अपनी राय दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मेरी मांगे गलत हैं, क्या इसे लेकर के आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, और 6 to 8 की जो भर्ती है उसकी रूपरेखा मैं धीरे धीरे समय के साथ आपके सामने आकर के सीजर कर दूंगा। कुछ डिटेल्स आ गई, कुछ डिटेल्स और आ जाएंगी तो मैं आपको आकर के बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलता हूँ तब तक के लिए।